गांव में एक बड़ा सा सरोवर था। उस सरोवर के पास एक पेड़ था। उस पेड़ पे ढेर सारी चिड़ियों की बास थी। एक दिन खाना खोजने के बाद चिड़िया लोग बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। आज थोड़ी सी खाने के खोज में कितना घूमना पड़ा। हाँ ठीक बोल रहे हो, कितना दूर तक हम लोग उड़ के गए, फिर जाके थोड़ी सी खाना मिली। आज तुम लोग कितना दूर गए थे? हाँ खाना ढूंढने इधर दक्षिण की तरफ गया था, कहीं कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। आजकल गांव के लोग कितने कंजूस हो गए, कहीं कुछ नहीं फेंक कर रखते। हाँ ठीक बोल रहे हो, पहले कितने सारी अनाजें बाहर पड़ी रहती थी, आजकल तो फल भी पकने से पहले तोड़ लेते हैं पेड़ से। पेड़ पे से फल तोड़ के खाएंगे वो भी नहीं मिलता है। ठीक बोल रहे हो तोता, हम लोगों का भी यही हाल है। दिन भर खाना खोजने के बाद थोड़ा सा मिलता है, अब नहीं होता हम लोगों से ऐसा। चिड़िया बातों में व्यस्त थे, तभी अचानक तोते की नजर सरोवर की तरफ जाती है। तभी वो देखता है कि एक चीटा पानी में डूब रहा था। चुप चुप चुप, बाद में बातें करना, पहले उधर देखो नदी में कौन डूब रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ। क्यों क्या हुआ है? अरे उधर देखो, एक चीटा पानी में डूब रहा है। हाँ अरे हाँ सच में, अब क्या होगा? बचाओ, मैं डूब रही हूँ, मुझे कोई बचाओ बचाओ। ये कैसे पानी में गया? वो कैसे पानी में गया ये सोचना बाद में, पहले जाके उसे बचाना पड़ेगा। हाँ ठीक बोल रहे हो, उसे बचाना होगा, लेकिन कैसे बचाओगे तुम? हाँ हाँ कैसे बचाओगे उसे, हम लोग अगर उसे चोंच में उठाने गए तो वो तो दब जाएगा। हाँ ठीक बोल रहा है, अब क्या करेंगे? हाँ एक उपाय है मेरे पास, तुम लोग यहीं रहो, देखो मैं क्या करता हूँ। यही कह के तोता पेड़ के डाल से एक पत्ता तोड़ा और चीटे के तरफ उड़ पड़ा। ठीक जाके चीटे के सामने उस पत्ते को फेंक दिया। चीटा उस पत्ते पे चढ़ गया और पानी में तैरते तैरते किनारे पे जा पहुंचा और उसकी प्राण बच गई तोते की सहायता से। धन्यवाद तोता, तुम मेरी जीवन बचाए हो, तुम्हारा भला हो। ये तो मेरा कर्तव्य था, तुम मुसीबत में पड़े थे ना इसीलिए। फिर कुछ दिन बाद चिड़िया अपने बातों में व्यस्त थी। तभी उसी वक्त, अरे उस दिन का घटना बताओ, मैं सही समय पे देखा था ना उस चीटे को, वरना वो डूब के मर ही जाता तालाब में। हाँ सच में। जब चिड़िया बातों में अपने व्यस्त थी उसी समय एक शिकारी निशाने लगाकर आया वहाँ पे। वाह पेड़ पर तो अनेक चिड़िया बैठी हैं, यह तो अच्छा अवसर है, चलता हूँ देखता हूँ किसी चिड़िया का शिकार कर पाता हूँ कि नहीं। उस घटने को देख लिया चीटे ने, जिस चीटे को तोते ने बचाया था मृत्यु से। हाँ मैं तुम्हारी चाल समझ रही हूँ शिकारी, तुम उन चिड़ियों को मारने के लिए निशाने लगा रहे हो, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा, क्योंकि उन चिड़ियों ने मुझे विपत से बचाया था, मेरी प्राण बचाया था, मैं उन लोगों को कभी नहीं तुम्हारे हाथे मरने दूंगा। हाँ यही कह के चीटा उस शिकारी के तरफ चल पड़ा। जैसे ही शिकारी अपना तीर निशाने पे लगाया तभी चीटा उसे काटा। अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या हुआ क्या हुआ, क्या काट दिया मेरे पैर में? और मारोगे चिड़ियों को? चीटे के काटने से शिकारी चिल्ला पड़ा और शिकारी को देखते ही चिड़िया लोग अपने घोंसले से उड़ पड़ी और चीटा खड़ा होके बड़ा ही मजे ले रहा था और चिड़ियों का जान बचा के बहुत ही खुश हुआ। विदर्भ राज्य के राजा विचित्र वीर्य का एक लौता संतान युवराज हेमंत वीर्य आश्रम में अस्त्र शिक्षा शस्त्र शिक्षा
शिक्षा ग्रहण करने के बाद, शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद युवराज गुरुदेव के पास अलविदा कहने आए। प्रणाम गुरुदेव। आओ हेमंत आओ, आज तुम्हारा शिक्षा समाप्त हुआ, तुम श्रेष्ठ हुए, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। ये तलवार, ये मशाल और बांसुरी सर्वदा अपने पास रखना, किसी मुसीबत में एक दिन ये मायावी वस्तु तुम्हारे काम आएंगे। जी गुरुदेव, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। गुरुदेव से अलविदा लेकर राजकुमार अपने राज्य लौटे अपने पिता श्री के पास। सुनो बेटा, प्रभुसा की ओर एक राज्य है, सुना हो कि वहाँ की प्रजा बहुत तकलीफ में है। ठीक है, मैं कल ही वहाँ जाऊँगा, लेकिन राजकुमार बन के नहीं जाऊँगा। ठीक है, कल ही तुम वहाँ रवाना हो जाना, सावधानी से जाना। उसके बाद रवाना हो गए राजकुमार गिरिपत राज्य के लिए। उस राज्य में पहुंचकर राजकुमार इधर उधर घूमने लगे। राजकुमार ये पता लगाने लगे उस राज्य की सुख शांति कैसे खो गई है और उसका कारण क्या है। क्या हुआ है मुझे बोलिए। राज्य के उत्तर दिशा के और पहाड़ पर एक दानव रहता है। क्या दानव? तू यहाँ का महाराज, उसे वध क्यों नहीं किया है? हा? सब सैनिकों को खा लिया है वो दानव। राजकुमार हेमंत दानवों को मरने के लिए राजकुमार राजा के पास गए अनुमति लेने। महाराज मुझे अनुमति दीजिए, मैं इस राज्य को बचाने के लिए दानव को मरना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ, तुम्हें अनुमति है। राजा का अनुमति लेकर राजकुमार हेमंत रवाना हो गए बाहर की तरफ दानवों को मरने के लिए। साथ में ले गए गुरुदेव का दिया हुआ उपहार, मशाल, तलवार और बांसुरी। यात्रा करने के बाद राजकुमार आकर पहुंचे पहाड़ के सामने। वो रहा, एक गुफा दिख रहा है, दानव उसमें रहता होगा। हाँ, गुफा के अंदर इतना बड़ा सरोवर, दानवों की सांसों की आवाज आ रही है। सरोवर के उस पर से आ रही है, लेकिन इतना बड़ा सरोवर पार करके कैसे जाऊंगा। देखता हूँ गुरुदेव का बांसुरी बजा के क्या होता है। अब मैं उस पर जा सकता हूँ। हम ये क्या, आज आहार खुद आ गया। अच्छा है, आज मुझे बाहर जाना नहीं होगा। मैं तुम्हारा आहार बनकर नहीं, मौत बनकर आया हूँ। मुझे
मुझे माफ कर दीजिए, मैं वादा करता हूँ अरे हत्या नहीं करूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। माफी मुझसे नहीं, महाराज से मांगो। ठीक है, सबको पहले तुम वापिस करो, सिर्फ सैनिकों को नहीं मेरे प्रजा को भी, फिर तुम्हारा फैसला होगा। महाराज अभी मैं वापिस करता हूँ। महाराज आप मुझे मुक्त कीजिए, अब मैं तुझे दुनिया से मुक्त करता हूँ। बोलिए महाराज, वो दानव सारे प्रजाओं को और सभी सैनिकों का जीवन दान कर दिया, वो ये भी मान गया कि जीवन में कभी नहीं नरहत्या करेगा। ये सब जानकर भी राजा ने क्यों दानव को मार दिए है? बोलिए महाराज, ये क्या राजा सही किए है? मैथल राजा समझ गए थे कि दानव पराजित होकर सभी सैनिक और प्रजा को वापिस कर दिया और माफी मांग लिया, लेकिन बाद में वो किसी और राज्य में जाकर फिर से अपना तंडप मचा देता और वह कभी सुख शांति सब छीन लेता। इसलिए राजा ने उस दानव का वध करके सही किए है बेताल। खुशी ये शाम बड़ा सुहाना है, साइकिल चलाने में बड़ा मजा आ रहा है। देखो ना खुशी, वहाँ पे एक आदमी माइक लेके कुछ अनाउंसमेंट कर रहा है, चलो जाके देखते हैं क्या बोल रहा है। भाइयों और बहनों ध्यान से सुनो, हमारे क्लब में मछली पकड़ने का प्रतियोगिता आयोजन किया गया है, जिसे इसमें भाग लेना है वो अपना नाम लिखा दे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो लूसी और टॉम को पता चलने से पहले हम लोग अपना नाम लिखवा लेते हैं। क्या बात है दोस्तों, मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में नाम लिखवा के आ रहे हो क्या? हाँ, तुमसे मतलब? नहीं नहीं, मुझे क्या लेना देना है, मैं उस प्रतियोगिता में भाग ले रहा हूँ। तुम लोगे तो हार ही जाओगे, जीतोगे नहीं, बेकार में क्यों हारने आ रहे हो मुझसे? वो तो कल ही पता चलेगा कौन हारता है। देख लिए पुशी, हम लोगों से पहले ही वो नाम अपना लिखवा दिया है प्रतियोगिता में, कुछ भी हो जीतेंगे तो हम लोग। जो मैं बोला हूँ तुझे याद है ना टॉम? तुम चिंता मत करो आंटी जो, कल बाजार से मछली खरीद कर लाई थी बड़ा वाला, तुम जब मछली पकड़ोगे प्रतियोगिता में तब मैं पानी के नीचे आके मछली तुम्हारे छीप में अटका दूंगा और तुम जीत जाओगे। और मैं प्रतियोगिता में फर्स्ट आ जाऊंगा। हा हा हा। दी, उसका चमचा टोम कहाँ गया है बता सकते हो? छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। लूसी ये देखो मेरे छीप में एक मछली फंसा है, अभी तक तो तुम्हारे छीप में एक भी नहीं फंसा। फंसेगा फंसेगा, इतना बड़ा मछली फंसेगा कि तुम लोग देख के बेहोशी हो जाओगे। हाँ देख लेना। देख लिए पुशी, मछली पकड़ना किसे कहते हैं? तुम लोग जैसा छोटी छोटी नहीं, इसी को कहते हैं स्मार्ट बॉय। ये मछली जाना पहचाना लग रहा है, आंटी तो कल बाजार से इसे खरीद के लाई थी ओ प्रतियोगिता जीतने के लिए। ये ऐसा किया है, आंटी घर पे नहीं है इसीलिए, रुको कल मैं इसे बताऊंगा।
आज के प्रतियोगिता में जीते हैं मिस्टर लूसी। लूसी और टॉम हम दोनों को बेवकूफ बना के प्रतियोगिता में जीत गए। रुक, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। कल सुबह आंटी वापिस आ रही है, तभी बताऊंगा। क्या बात है पुसी, आज अकेले क्यों आए हो? कल खाने के बाद शर्म के मारे तुम्हारा साथी भाग गया क्या? नहीं नहीं लूसी, वो भागा नहीं है, तुम्हारे लिए बड़ा सा पुरस्कार लेने गया है। वाह, ये तो अच्छी बात है, कम से कम अब तो तुम लोग सुधर गए। सुने ना आंटी, यही सच बात है। क्या उसकी इतनी हिम्मत? रुको, मैं आज उसको सबक सिखा के रहूंगी। मर गया आंटी, यहाँ कहाँ से चली आई आंटी? अरे लड़ाई पुसी का ही काम है, यहाँ से फटाफट भागना पड़ेगा, भागो। ए लूसी, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी मछली से मेरे ही मुंह पे मारता है। रुक रुक, अभी तेरे को मजा चखाती हूँ। रुक रुक, भाग का आ रहा है, रुक। अरे बाप रे बाप। पुसी देख, देखने में बड़ा मजा आ रहा है ना, आज आंटी इसको मछली की तरह कढ़ाई में तल देंगी। फूफा जी, अपना फेवरेट कुर्ता प्रेस करके मुझे लाने के लिए कहे, इसके लिए मुझे अपने आप पे गर्व महसूस हो रहा है, आज मुझे बहुत खुशी हो रहा है। ला 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 ला, एक कुर्ता तो बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। हाँ हाँ, पता नहीं ये पहनकर फूफा जी आज कहाँ जाएंगे। हाँ वीर जो है ना, अच्छा हुआ ये मिल गया, अब मुझे घर तक नहीं जाना होगा। हमदा, तुम्हारे हाथ में कुर्ता, अच्छा हुआ बिरजू तू मिल गया मुझे। क्यों? फूफा जी का ये कुर्ता लॉन्ड्री से लाने गया था। तू एक काम करेगा बिरजू? क्या? ये कुर्ता तू फूफा जी को दे देगा? मुझे कहीं जाना है, एक काम है मुझे। नहीं हमदा, मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे भी एक जरूरी काम है। सॉरी, मैं ये कुर्ता नहीं दे पाऊंगा। तेरा कौन सा जरूरी काम है तू मुझे बता। मैं नहीं बता सकता, सॉरी बिरजू, मुझे मना करके तू ठीक नहीं किया है बिरजू। मैं कुछ नहीं कर सकता हमदा, मैं नहीं जा पाऊंगा, ऐसे भी मुझे देर हो गया है, मैं जा रहा हूँ। वे बिरजू, हमदा का साथ रह रह कर तू बहुत बिगड़ गया है, तू बहुत हिम्मत हो गया है इस बिरजू में। रुक जा, तेरा जरूरी काम मैं करवाता हूँ। हमदा का बात नहीं सुनने का साजा क्या होता है तुझे दिखाता हूँ। बुंदा मुझे बुलाकर खुद ही वो नहीं आया, मैं इतना जल्दी जल्दी चल कर आया हूँ, मेरा पैर दर्द करने लगा। ये क्या? तो बिरजू, तेरा पैर दर्द कर रहा है, ये सुनकर मैं कैसे चुप रहूंगा, तुझे मैं लटका कर रखता हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। हाँ हाँ जरूर, छोड़ तो मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले तेरे लिए कुछ बंदोबस्त करना होगा। कब तक तुझे पकड़ के रखूंगा, मेरा भी तो हाथ दर्द हो जाएगा। सही नहीं कर रहा है तू, छोड़ दे मुझे। छोड़ हमदा, लग रहा है मुझे। हाँ हाँ, अब मैं तुझे इस हैंगर में लटका कर रखूंगा, समझा बिरजू, ताकि तेरे पैर में भी दर्द ना हो और मेरे हाथ में भी। नहीं 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 अंदर अंदर नहीं 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 अंदर। हाँ, अब तक बिरजू नहीं आया,
बोल रहा था जल्दी आ जाऊंगा। उस बिरजू का दिमाग नहीं है क्या? जाकर देखता हूँ क्या कर रहा है वो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ छोड़ अम्मा, छोड़ लग रहा है, छोड़ दे मुझे। बिरजू चिल्ला रहा है, दीवार के उस पार से आ रहा है ये आवाज। क्या बात है, देखना पड़ेगा, जा रहा हूँ। लटकते लटकते तू अपना काम कर दे, मैं तब तक फूफा जी का कुर्ता दे के आता हूँ। तो ये बात है, रुक जा हंदा, अब मैं तुझे अपना काम करके दिखाता हूँ। अब तुझे तकलीफ कर नहीं जाना होगा हंदा, मैं फूफा जी का कुर्ता देने जा रहा हूँ। देख भुंदा, ये ठीक नहीं होगा, वो कुर्ता गंदा हो जाएगा, दे मुझे। तू पहले बिरजू को छोड़ दे, फिर मैं कुर्ता दे दूंगा, वरना मैं इस सफेद कुर्ता को काला बना दूंगा। छोड़ दे उसे, ये फूफा जी का कुर्ता है। सही नहीं कर रहा है भुंदा तू। बिरजू को छोड़ दे और ये कुर्ता ले जा, वरना मैं चला। फूफा जी का कुर्ता लेने अभी तक नहीं आया है। आएगा आएगा, उसे आना ही पड़ेगा। पूरा भुंदा, देखो मैं इस हैंगर से उसे कैसे मजा चखाता हूँ। भुंदा भुंदा भुंदा, हट जाओ वहाँ से, हट जाओ। मुझे लग रहा है आज के लिए इतना ही काफी है, ये ले। हम जा रहे हैं, हम दोनों का एक जरूरी काम है। टाटा। हंदा हंदा हंदा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उस हंदा का कब कब मैं लंड्री भेजा हूँ, अभी तक वो मेरा कुर्ता नहीं लेकर आया। ये क्या, उस बकरी के मुंह में क्या है? मेरा कुर्ता है ना? हाँ, ये तो मेरा कुर्ता ही है। हंदा हंदा, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। डंडा से तो हर कोई मार खाता है, लेकिन ऐसे किसी को मार खाते हुए देखे हो? क्यों, कैसा लग